हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाबार के धोरों में हेलीकॉप्टर की गूंज, दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाया दुल्हा। बाड़मेर जिले के महाबार के धोरों के बीच दुल्हा राजेंद्र सिंह अपनी दुल्हन संतोष कंवर को हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचा। दूल्हे का कहना है कि बहनों और उसके परिवार की इच्छा थी कि दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ससुराल लाया जाए, बस एक सपना देखा वो उसे सच हुआ कर दिया। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर महाबार के धोरों के बीच दुल्हा राजेंद्र सिंह अपनी दुल्हन संतोष कंवर को हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचा तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि परिवार के लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। MBBS दूल्हे राजेंद्र सिंह के अनुसार परिवार के लोगों की इच्छा थी कि दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ससुराल लाया जाए। परिवार को इस पल का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र सिंह की बारात जैसलमेर के रामदेवरा निवासी नारायण सिंह के घर गई थी। रात्रि में फेरे होने के बाद रविवार को विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी दौरान दुल्हन को ससुराल ले जाने के लिए दूल्हे के परिवार ने विशेष तौर से गांव से हेलीकॉप्टर भेजा। करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहने के बाद दुल्हा राजेंद्र सिंह और दुल्हन संतोष कंवर नीचे उतरे तो परिवार के लोगों ने हेलीपैड पर दोनों का फूलों से स्वागत किया। MBBS राजेंद्र सिंह के अनुसार उनकी बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा थी कि दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ससुराल लाया जाए, इसीलिए परिवार के लोगों ने हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। इस पल का इंतजार सबको बड़ा बेसब्री से था। आज के समय में हमारी समाज में बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझते हैं। जब अचानक हेलीकॉप्टर रेगिस्तान के धोरों के बीच नीचे उतरने लगा तो हर कोई देखता रह गया। आसपास के लोग हेलीकॉप्टर की जगह पहुंचे और करीब से देखा तो विश्वास भी नहीं हुआ। उसके बाद आसपास के लोगों के साथ ही परिवार के लोगों ने हेलीकॉप्टर के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। पिछले कुछ समय से ग्रामीण इलाकों में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।